हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। जैसा कि हम पिछले सेशन में थ्री फेज ट्रांसफार्मर को शुरू किए थे, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में जाने थे और साथ ही साथ उसके कंस्ट्रक्शन को हम एनिमेशन के थ्रू देखे थे और समझे थे, साथ ही साथ उसको अच्छी तरीके से डील किए थे, अच्छी तरह से पढ़े थे। आज के इस सेशन में हम ट्रांसफार्मर का फेजर ग्रुपिंग, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का फेजर ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फेजर ग्रुपिंग पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर में फेजर ग्रुपिंग पढ़ते क्यों हैं, इसका पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हम फेजर ग्रुपिंग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम दो ट्रांसफार्मर या दो से एक से अधिक ट्रांसफार्मर को अगर हमें कनेक्ट करना होगा तो उसको हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको कनेक्ट करने के लिए दोनों ट्रांसफार्मर का फेजर ग्रुपिंग जो होता है वो सेम होना चाहिए। जब उसका फेज डिफरेंस अगर दोनों का सेम होगा, दोनों ट्रांसफार्मर का फेजर ग्रुपिंग अगर सेम होगा, तो उस कंडीशन में हम वो दोनों ट्रांसफार्मर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर में फेजर ग्रुपिंग पढ़ते हैं। तब हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड के बीच में जो डिफरेंस होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसके आधार पर थ्री फेज ट्रांसफार्मर को डिवाइड किया गया है फोर मेन फेजर ग्रुप में। थ्री फेज ट्रांसफार्मर को डिवाइड किए फोर मेजर मेन ग्रुप में, फेजर ग्रुप में। इसमें देखिए होता क्या है कि हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कुल मिलाकर छः तरीका से करते हैं, छः कनेक्शन होता है और उससे यह जो फेजर ग्रुपिंग है तो इसमें जो कम्बिनेशन बनाते हैं वो 26 बनता है। तो छः ग्रुपिंग में क्या क्या आता है, तो या तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को स्टार में कनेक्ट करें, या तो प्राइमरी को स्टार में करें सेकेंडरी को डेल्टा में करें, या तो प्राइमरी को डेल्टा में करें सेकेंडरी को स्टार में करें, तीसरा हो गया, चौथा होगा यहाँ पर या तो दोनों को डेल्टा में करें, पांचवा होगा या तो एक को स्टार में करें एक को जिगजैग करें, छठा होगा या तो एक को डेल्टा में करें या और एक को जिगजैग में करें। तो कुल मिलाकर हम छः कनेक्शन करते हैं ट्रांसफार्मर में और इसके आधार पर हम 26 कम्बिनेशन करते हैं। तो उसमें से हम कुछ कम्बिनेशन फेजर ग्रुप जो इसमें पढ़ेंगे चार, उसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहला होता है बाई बाई जीरो डी डी जीरो, दोनों का ये जो है ये देखिए बाई बाई जीरो ये स्टार का कम्बिनेशन है और डी डी जीरो जो है वो डेल्टा डेल्टा का कम्बिनेशन है। तो इस आधार पर यहाँ पर हम चार कम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो चार चार स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार मिलाकर होगा, तो मिला के आठ यहाँ पर कम्बिनेशन हमें दिखेगा, आठ कम्बिनेशन दिखेगा और फोर मेजर फेजर ग्रुप दिखेगा। ये ग्रुप जो है ग्रुप यहाँ पर देखिए बाई बाई जीरो डी डी जीरो एक ग्रुप, बाई बाई सिक्स डी डी सिक्स दूसरा ग्रुप, यहाँ पर बाई स्मॉल होगा, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बाई बाई सिक्स, यहाँ पर ये जो बाई है वो स्मॉल होगा, गलती से प्रिंट हो गया है, सुधार लीजिएगा। डी बाई वन और बाई डी वन, डी बाई वन वन बाई डी वन वन, ये सब कैसे होता है इसको हम बताएंगे कि इसको कैसे लिखते हैं, इसको एक को बड़ा एक को स्मॉल, मैंने एक को कैपिटल लेटर एक को स्मॉल लेटर से क्यों लिखे, यहाँ पर जीरो क्यों लिखे, सिक्स क्यों लिखे, वन क्यों लिखे, इलेवन क्यों लिखे, ये सब के बारे में आगे बताएंगे कि इसको हम क्यों लिखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम क्लॉक कन्वेंशन, जिसको हम कॉमर्स जनरली भाषा हम क्लॉक कन्वेंशन कहते हैं और इसको बोला जाता है वैसे कॉमर्शियल कन्वेंशन, इसमें जानेंगे कि ये जो 0611 है वो यही यहाँ पर जो घड़ी है इसी से आया है, इसी के आधार पर हम यहाँ पर 0611 या जो 11 लिख रहे हैं सब इसी के आधार पर करते हैं। तो इस घड़ी को आपको इसमें एक चीज़ देखना है कि जो आवर का जो ये जो काटा है इसको हम LV से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि यह लो वोल्टेज साइड है और ये जो मिनट का काटा है उसको हम हाई वोल्टेज साइड कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि मिनट का जो घंटा का जो काटा है वो लो वोल्टेज साइड है और मिनट का जो काटा है वो हाई वोल्टेज साइड है। तो इसी के आधार पर आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि पहले फेज डिफरेंस क्या होता है। तो फेज डिफरेंस क्या है कि यह एक एंगल है लो वोल्टेज साइड का हाई वोल्टेज साइड से, जितना वो लैग करता है लो वोल्टेज साइड हाई वोल्टेज साइड से उसके बीच का जितना जो एंगल होता है उसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। तो इसको इसी भाषा में लिखा गया है कि इट इज एन एंगल, यह एक एंगल है बाई विच जिसके द्वारा लो वोल्टेज साइड लाइन, लो वोल्टेज साइड का लाइन वोल्टेज जो है वह लैग बिहाइंड द हाई वोल्टेज साइड, वह लैग करता है हाई वोल्टेज साइड के, हाई वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज के से लैग करता है जितना एंगल से, उसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि लो वोल्टेज साइड का लाइन वोल्टेज जो है वह हाई वोल्टेज साइड के लाइन वोल्टेज से जिस एंगल से लैग करता है उस एंगल को हम फेज डिफरेंस कहते हैं। जैसे देखिए इट इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ 30 डिग्री इन क्लॉक बाई डायरेक्शन, इसको हम 30 डिग्री क्लॉक बाई डायरेक्शन में हम
मेजर करते हैं। तो इसमें देखिए आपको कैसे हम 30 डिग्री लेते हैं, एक घड़ी में कुल मिलाकर कितना घंटा होता है, 12 घंटा होता है कुल मिलाकर। यहाँ पर देखिए, अब 12 को 30 से गुना करिए कितना होगा, 12 × 30 करेंगे तो 360 होगा। तो एक सर्कल का पूरा डिग्री कितना होता है, 360 होता है। तो वही बात यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए आपको हम दिखाते हैं। जैसे देखिए ये घड़ी में देखिए, यहाँ पर 12 से अगर हम चल के 12 पर फिर आएंगे तो कुल मिलाकर हम 360 डिग्री घूमेंगे। अगर हम 12 से 1 में गए तो 30 डिग्री, 2 पर गए तो 12 से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 3 में जाएंगे तो 90 डिग्री, 4 में जाएंगे तो उसी अनुसार 30-30 डिग्री का बढ़ते जाएगा। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि इसका जो कन्वेंशन होता है, जो मेजर किया जाता है वो 30 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। तो उसी के अनुसार हम सबसे पहला पढ़ेंगे फेजर ग्रुप नंबर 1। इसमें पहला क्या आया था कि इसमें दोनों बाइंडिंग को, प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग जो भी है ट्रांसफार्मर का, उसको दोनों को या तो स्टार में कनेक्ट करें या तो दोनों को डेल्टा में कनेक्ट करें। तो इसमें आपको खास बात एक ध्यान देना होगा कि जो हम जैसे लिखते हैं दोनों को, अगर हमको स्टार में जोड़ना होगा तो हम लिखते हैं कैपिटल वाई, फिर लिखते हैं स्मॉल वाई। तो यहाँ पर कैपिटल वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हाई वोल्टेज साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लो वोल्टेज साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसको फेजर नंबर 1 जो है उसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई वाई 0 और डी डी 0 से। तो फेजर ग्रुप नंबर 1 में होता क्या है, तो इसमें है कि इस ग्रुप में जो फेज डिफरेंस होता है एच वी साइड और एल वी साइड का, वो कुछ नहीं होता, मतलब 0 डिग्री होता है, किसी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। उस कंडीशन में इसको हम फेज ग्रुप नंबर 1 कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई बाई 0, एक कैपिटल बाई, एक स्मॉल बाई और 0, डी डी ओ या डी डी 0, जो भी इसको पढ़िए आप, इसको 0 भी पढ़ सकते हैं, ओ भी पढ़ सकते हैं, आपके इच्छा के अनुसार जो भी पढ़िए। तो यहाँ पर जो कैपिटल में जो भी लिखा हुआ है वो हाई वोल्टेज के लिए है, और बाई जो स्मॉल में जो भी लिखा गया है वह लो वोल्टेज साइड के लिए है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि भेयर कैपिटल बाई इज एच वी, यहाँ पर स्मॉल बाई इज एल वी, मैंने लो वोल्टेज साइड के लिए, कैपिटल डी इज एच वी एंड स्मॉल डी इज एल वी। और साथ ही साथ ये 0 जो है वो फेज डिफरेंस दिखा रहा है, 0 डिग्री बिटवीन एच बी एंड एल वी, एच बी एंड एल वी के बीच में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो कनेक्शन दोनों है बाई बाई है, मतलब दोनों स्टार में है, और इसमें जो कनेक्शन है दोनों डेल्टा में है, क्योंकि दोनों डी डी से रिप्रेजेंट किए थे, दोनों डेल्टा में। तो अब हमारा इसका देखेंगे कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यह हमारा स्टार में कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें देखिए C1, B1 और A1 तीनों जो है वो कॉमन है। अगर ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में 3 पॉइंट कॉमन हो जाता है तो उस कंडीशन में वो स्टार में होता है। तो ये देखिए स्टार में है। तो यहाँ पर ये है जो एच बी साइड का है, हाई वोल्टेज साइड का है, क्योंकि यहाँ पर सबको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट किए हैं। तो उस अनुसार इसमें जो प्रोड्यूस EMF होगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सब में EMF का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा। उस अनुसार से यह जो है तीनों, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तीनों के बीच का एंगल जो होगा वो 120 होगा, और दोनों क्योंकि स्टार स्टार में ही है तो उस कंडीशन में दोनों का बाइंडिंग भी सेम ही होगा, मतलब इसका बाइंडिंग जो सर्किट हम बनाया है दोनों सेम ही होगा। तो उस अनुसार यहाँ पर इस तरीके से इसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट किए एच वी के लिए और स्मॉल से रिप्रेजेंट किए एल वी के लिए। तो उस अनुसार यहाँ पर देखिए ये इसका हो गया डायग्राम, और ये इसका हो गया EMF, जो भी कहिए आप, EMF जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो इस अनुसार अगर दोनों को हम यहाँ से उठाकर इसको अगर यहाँ पर हम सुपर इम्पोज करेंगे तब उस अनुसार ये कैसा होगा, इस तरीके से होगा कि यहाँ पर कंप्लीट 12 मैंने 12 बज जाएगा। अगर 12 बजे आप घड़ी देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि बड़ा वाला कांटा और छोटा वाला कांटा दोनों जो है वो एक सीध में होता है और एकदम 12 के पास होता है, उस कंडीशन में वो 12 क्लॉक कहलाता है। तो उस वही कंडीशन यहाँ पर हो रहा है। अगर इसको यहाँ से उठा कर इस पर हम इम्पोज कर देंगे, यहाँ पर इसको उठा कर इस पर रख देंगे, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, और इस कंडीशन को हम या तो 0 कहते हैं, या जैसे डी डी 0 कहते हैं, या बाई बाई 0 कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फेज एंगल नहीं है, कुछ भी नहीं है, या इसको हम 12 क्लॉक भी कहते हैं। अगर क्लॉक कन्वेंशन के थ्रू देखें या कॉमर्शियल कन्वेंशन के थ्रू देखें तो इस कम्बिनेशन को हम क्या कर सकते हैं, इस कम्बिनेशन को हम 12 क्लॉक भी कर सकते हैं। तब हम इसको हम बाई बाई 0 यहाँ पर दिखाए थे, इसमें दो गो हो सकता है, बाई बाई 0 के साथ साथ यहाँ पर ये तो हम स्टार में दिखाए, इसका कनेक्शन डेल्टा डेल्टा में भी हो सकता है। तो वहाँ पर डी डी 0 होगा, लेकिन दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा दोनों कंडीशन में वो 0 डिग्री होगा,
और वह जो कंडीशन होगा वो 12 o'clock होगा, इसको हम 12 o'clock कहेंगे। यहाँ पर ये काटा यहाँ आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेजर ग्रुप नंबर टू। तो फेजर ग्रुप नंबर टू में हम पढ़ेंगे, या तो इस कंडीशन में दो गो आएगा, एक बाई बाई सिक्स आएगा और एक डी डी सिक्स आएगा। बाई बाई सिक्स बोलने का मतलब कि इसमें एक जो होगा वो कैपिटल बाई, स्मॉल बाई और सिक्स, फिर दूसरा इसी में दूसरा ग्रुपिंग जो है वो है कैपिटल डी, स्मॉल डी और सिक्स। इसमें होता क्या है कि देखिए लिखा गया है, इन दिस ग्रुप ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एच वी एंड एल वी लाइन वोल्टेज इज 180। इसमें जो एच वी और एल वी का जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 होता है, इसीलिए इसको हम डी 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 सिक्स या बाई बाई सिक्स कहते हैं। सिक्स इंटू 30 करेंगे तो कितना होगा, 6 × 12 = 18, 180 डिग्री होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है, इसीलिए इन दोनों के बीच का जो एंगल का डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पा सकूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई बाई सिक्स या डी डी सिक्स से। तो इसमें होता क्या है ये देखिए, यहाँ पर दोनों आ गया, ये देखिए ये हो गया एच वी हाई वोल्टेज साइड के लिए, ये हो गया लो वोल्टेज साइड के लिए। तो इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में तो इसका फेजर इस तरह से बना था, ये जो डायग्राम था वो इस तरह से बना था, लेकिन पिछला कंडीशन जब हम देख रहे थे तो ये भी था वो नीचे की ओर था, मतलब सेम टू सेम था, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर की ओर है। तो उस कंडीशन में ये भी आपस में रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स होगा तो इस तरीके से चल जाएगा। अब देखिए, आप ए टू और ए वन को सुपर इम्पोज करिए, एक पर ले जाकर दोनों को रखिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यह यहाँ से उठ के यहाँ आएगा तो घड़ी का आप छेक की तरह आपको दिखेगा कि नहीं, कि जो जो छोटा वाला जो काटा है वो 6 पर जाएगा और बड़ा वाला काटा जो है वो 12 पर जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको हम बाई बाई सिक्स कंडीशन कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, बाई बाई सिक्स, क्योंकि यह जब दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे, दोनों को रखेंगे तब देखेंगे, तो उस कंडीशन में यह 6 o'clock से 6 o'clock की तरह दिखेगा, इसीलिए इसको हम बाई बाई सिक्स, या इसमें जो एक और कन्वेंशन है, अगर यह स्टार स्टार में अगर डेल्टा डेल्टा हम कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर डी डी सिक्स होगा। अब देखिए इसको यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट किए बाई बाई सिक्स का, डी डी सिक्स आप खुद बनाइएगा, एक हम कन्वेंशन को डी डी में भी बनाए हैं। नेक्स्ट हमारा फेजर ग्रुप नंबर थ्री है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो डी 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 बाई वन और बाई डी वन, इसमें दो कम्बिनेशन आता है, डी बाई वन और बाई डी वन। तो इसमें क्या होता है कि दोनों के बीच का एंगल, हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड के बीच का एंगल जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए, आपको हम दिखाते हैं, इसको पहले समझ लीजिए कि इसमें यही जानिए सिंपली इतना कि दोनों हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड के बीच का एंगल जो होता है वो 30 डिग्री होता है, और इसको हम इसमें दो ग्रुपिंग आता है, एक डी कम्बिनेशन आता है डी बाई वन और बाई डी वन। वन का मतलब 1 o'clock होता है। देखिए इसको हम दिखाएंगे, ये देखिए डेल्टा का कम्बिनेशन है, डेल्टा का कनेक्शन है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे डी बाई वन का हम दिखाएंगे इसका। देखिए इस डेल्टा के लिए तो इस तरह से हम बनाएंगे। ये कैसे बनता है, वैसे आपके सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है पढ़ना, लेकिन अगर आप लोग को चाहिए कि इसको कम्प्लीट डिटेल में बताइए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम बताएंगे कम्प्लीट डिटेल में कि यहाँ पर से इस तरह का हम जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, वो भी हम आप लोग अगर कमेंट करेगा तो बता देंगे। इसका ये हो गया, ये तो किसका है, स्टार का है, तो स्टार के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, घड़ी का आप देखिएगा तो इस तरीके से बजेगा नहीं। देखिए यहाँ पर ये देखिए, इसको उठाएंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे, इस पॉइंट पर इसको उठा के यहाँ पर अगर हम प्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको दिखाते हैं हम पेन के सहारा से, यहाँ से आप इस तरीके से देखेंगे कि इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा लगभग आप देखिएगा कि एक बजने के करीब आपको मिलेगा, दिखने को मिलेगा। इसीलिए इसको हम d बाई वन, या इसी में अगर हम इधर इधर स्टार कर दे, इधर डेल्टा कर दे, तब जो कम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा बाई डी वन। तो इसीलिए इसमें वन कहा गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, 30 डिग्री। तो इसीलिए इसको हम d बाई वन, या इसमें अगर इसको हम रिप्लेस कर दे, इधर स्टार इधर डेल्टा कर दे, तब वहाँ हो जाएगा बाई डी वन। मतलब कि एच बी पर अगर एच बी डेल्टा में है और एल बी स्टार में है, तो उस कंडीशन में उस कम्बिनेशन को हम डी बाई वन कहेंगे, और अगर एच बी स्टार में होगा और एल बी डेल्टा में होगा, तब उस कंडीशन को हम
डी इसको उस एडिशन को हम क्या कहेंगे, बाई डी वन कहेंगे। और दोनों के वन का मतलब क्या, दोनों के बीच का एंगल जो है वह 30 डिग्री होगा। इसीलिए अगर इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ इम्पोज करेंगे तब आप देखिएगा कि घड़ी के जैसे एक बजता है वह सिचुएशन आपको दिखेगा। इसीलिए इसके नाम में वन लगाया गया है लास्ट में, कि यह दिखा रहा है कि नहीं तो इस कम्बिनेशन को हम वन ओ क्लॉक भी कह सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है, देखिए इसको हम डी डी वन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वह चौथा फेजर ग्रुप है जिसमें हम इसमें हम पढ़ेंगे डी बाई वन वन और साथ ही साथ बाई डी वन वन। इसमें दो, इस ग्रुपिंग में दो कम्बिनेशन, एक आता है डी बाई वन वन और दूसरा आता है बाई डी वन वन। तो यहाँ पर वन 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 मतलब इलेवन ओ क्लॉक, यह दिखाएगा कि इलेवन ओ क्लॉक है। तो इलेवन ओ क्लॉक का मतलब क्या हुआ, इलेवन और एक घंटा का थर्टी था तो इसमें थर्टी मल्टीप्लाई करिए तो इलेवन इंटू थर्टी क्या होगा, थ्री थर्टी डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हाई वोल्टेज साइड है और लो वोल्टेज साइड का क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो 330 डिग्री होगा, 330 डिग्री होगा, और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री होगा। देखिए वही बात लिखा गया है कि इन दिस फेजर ग्रुप, इस फेजर ग्रुप में फेज डिस्प्लेसमेंट इज 330 इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 330 होगा और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री होगा एच बी और एल बी लाइन के बीच में। तो यहाँ पर जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डी बाई वन वन और बाई डी वन वन के थ्रू करते हैं। इसको आप जब घड़ी देखिएगा तब आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बाई डी वन वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कैसे हो रहा है, बाई मतलब स्टार, तो स्टार को देखिए यहाँ पर पहले बनाए हैं और दूसरा डेल्टा बनाया था। इस कंडीशन में स्टार का तो इस तरीके से हम दिखाएंगे और डेल्टा का इस तरीके से। ये कैसे होता है आप कमेंट करिएगा तो हम जरूर बताएंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसीलिए हम इस लेक्चर को लेंदी नहीं करना चाह रहे हैं। अब देखिए आप घड़ी में देखिएगा तो आपको समझ में, अब देखिए यहाँ पर से अगर हम उठा के यहाँ पर इम्पोज कर दें, इसको उठा दें और यहाँ पर इस पॉइंट पर ला के रख दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इस तरीके से कुछ बनेगा। इस कंडीशन में आप घड़ी में देखिए तो क्या दिखता है आपको, यह इसको मिलाइए और यहाँ पर देखिए दोनों कम्बिनेशन आपको सेम दिख रहा है या अलग, दोनों सेम ही होगा। तो इसीलिए इसको हम वन वन मतलब इलेवन बाई डी इलेवन या वन वन इसको कहते हैं। तो इससे यह दिखाई दे पता चलता है कि जो अगर यह सिचुएशन में आप देखिएगा तो घड़ी क्लॉक मतलब क्लॉक कन्वेंशन से आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 11 ओ क्लॉक इस कम्बिनेशन को कह सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ से अगर हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चले तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 330 बनेगा और इधर से अगर हम एंटी क्लॉक वाइज से चलें तो 30, क्योंकि यहाँ पर से एक प्लेस हम आगे आ रहे हैं और यहाँ पर से हम 11 प्लेस आगे आ रहे हैं। 11 इंटू 30 क्योंकि एक प्लेस का वैल्यू 30 है, यहाँ पर 11 इंटू 30 करेंगे तो 330 हो जाएगा, इसका वैल्यू 330 हो जाएगा ना और उसका वैल्यू 30 हो जाएगा। तो यही दिखाना हम चाह रहे हैं। देखिए यह जो कम्बिनेशन है ग्रुपिंग जो है कोई हार्ड नहीं है। अगर आप इसमें देखिए हम कर क्या रहे हैं, सिंपली चार ग्रुपिंग मेरा था, एक था बाई बाई जब दोनों को हम स्टार में कनेक्ट किए तो वहाँ पर हम जैसे नाम है नाम में ही इसका पूरा डिफिनेशन पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो छुपा हुआ है। बाई बाई जीरो, जीरो का मतलब जीरो डिग्री, उसके बीच में कोई भी एंगल डिफरेंस नहीं होगा। तो उस कंडीशन में घड़ी का कौन सा ऐसा टाइमिंग है जो कि कंप्लीट वहां पर प्रदर्शित करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ पूरा घड़ी में अगर 12 बजेगा तभी दोनों काटा एक जगह होगा और प्रॉपर टाइमिंग देगा मतलब 12 ओ क्लॉक देगा। तो उस कंडीशन में उसको हम बाई बाई जीरो कहें। उसी में अगर डेल्टा दोनों तरफ हम एच बी एल बी दोनों को डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी वहाँ पर जो फेज डिफरेंस आएगा दोनों के बीच का वो जीरो आएगा। सेकेंड कम्बिनेशन हमारा था जो था बाई बाई सिक्स डी डी सिक्स, इस कंडीशन में क्या था कि एच बी और एल बी दोनों को हम स्टार में कनेक्ट करते हैं और जब हम दोनों को स्टार में कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में एक को हम एक का, इसमें सब कनेक्शन का खेला है कि हम किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं वह उसी का खेला है। जिस तरह से हम कनेक्ट करेंगे उसी के अनुसार जो एच बी साइड था वह तो सीधा था लेकिन इसको हम थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज कर दें तो उलट जाता है, जिसके कारण इसका जो डायग्राम होता है उसका नीचे आ जाता है, जिसके कारण फिर दोनों की इम्पोज करते हैं तो वहाँ पर घड़ी का सिक्स जिस तरह से बजता है वही दिखाई देता है। तो उस कंडीशन में उन दोनों के बीच का जो फेज एंगल होता है वो 180 होता है, क्योंकि 6 × 3 करेंगे तो 30 करेंगे तो कितना होगा 180 होगा। तो उसी कंडीशन में नेक्स्ट हमारा जो तीसरा था वो क्या था, डी बाई वन और बाई डी वन। इस कंडीशन में जब इसको हम कम्बिनेशन इसको करेक्शन करते हैं तब तो यह घड़ी का
एक बजने को दिखाता है कि घड़ी का एक बजने का जो कंडीशन है वही कंडीशन यहाँ दिखता है, मतलब कि इन दोनों के बीच का एंगल का जो फेज डिफरेंस है उसको हम 30 डिग्री होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 o'clock दिखाया गया। आप घड़ी के कन्वेंशन को देखिएगा तो आप कंप्लीटली इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो था वो क्या था, डी बाई 1/1 जो यहाँ पर दिखाया गया है, तो डी बाई 1/1 में क्या था कि इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 330 और एंटी क्लॉक वाइज में 30 डिग्री था। तो ये था, इसी के साथ साथ हमारा जो फेजर ग्रुपिंग था वो कंप्लीट हो गया, और इसी में कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि फेजर टर्न रेशियो क्या होता है। फेज टर्न रेशियो, तो फेज टर्न रेशियो जो है वह एक रेशियो है टर्न प्राइमरी पर फेज, प्राइमरी पर फेज में जो नंबर ऑफ टर्न है टू द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी पर फेज, इसको हम फेज टर्न रेशियो करते हैं। इसको रिप्रेजेंट हम ए से करते हैं, और ए का वैल्यू जो होगा वो एन1 बाई एन2 होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एन1 जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न पर फेज इन प्राइमरी होगा, और एन2 जो होगा नंबर ऑफ टर्न पर फेज इन सेकेंडरी होगा। तो उस कंडीशन में हम ए को ई1 बाई पर फेज या ई2 बाई पर फेज कह सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। तो यह एक रेसिप्रोकल है फेज टर्न रेशियो का, इसीलिए इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि फेज टर्न रेशियो बराबर 1/ फेज टर्न, फेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा 1/ फेज टर्न रेशियो, रेसिप्रोकल है तो उल्टा होगा। लाइन टर्न रेशियो नेक्स्ट हमारा जो है वो लाइन टर्न रेशियो, लाइन टर्न रेशियो क्या होता है। तो यह रेशियो है लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड टू लाइन वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड इज कॉल्ड लाइन टर्न रेशियो। प्राइमरी साइड का जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, प्राइमरी वोल्टेज, लाइन टू लाइन प्राइमरी वोल्टेज और लाइन टू लाइन सेकेंडरी वोल्टेज के रेशियो को हम लाइन टर्न रेशियो कहते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइन टर्न रेशियो इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज ऑन प्राइमरी एंड लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑन सेकेंडरी। नेक्स्ट हमारा है लाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की, लाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है। तो यह भी रेसिप्रोकल है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, तो इसको इस तरह से द रेसिप्रोकल ऑफ लाइन टर्न रेशियो इज कॉल्ड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यह था आज का सेशन मेरा, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो उस तरीके से उसको अगर हम कंप्लीट डिस्कशन से बताते हैं कि कैसे उसका फिगर बना है तब आपको अच्छा समझ में आता है, लेकिन यह आपके सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है इसलिए मैं आपको नहीं बताया हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी करें, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे सेशन में इम्प्रूव करना है या नहीं करना है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फॉरवर्ड करें। थैंक यू।